हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सैनवर्क नॉलेज पर। मैं सौरभ पांडे आपका स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट मी। आप सभी मेरे बारे में जानते ही होंगे। अगर आपका इस पूरे वीडियो के दौरान कोई भी क्वेश्चन होता है तो कृपया मुझे ईमेल करें sanwark.knowledge@gmail.com पे, राइट? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक खत्म कर रहे हैं हिंदी में। तो क्लास 9 से हमने स्टार्ट किया है। 9, 10, 11, 12 हम सारा खत्म करेंगे। तो आज हम क्लास 10 की शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी, है ना। चैप्टर 1 हम पढ़ेंगे। तो अगर इस पूरे दौरान आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होता है तो कृपया आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, है ना, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये विषय सूची है, कंटेंट कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ेंगे इस पूरे दौरान। पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, दूसरा है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, तीसरा है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद मतलब हम गांधी जी का इमर्जेंस पढ़ेंगे, है ना। हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कैसे कैसे आंदोलन चलाया गया, असहयोग आंदोलन कैसे चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे चला, भारत छोड़ो आंदोलन कैसे चला, है ना। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कैसे किया, ये सारी चीजें हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर में हम स्पेशली चाइना, जापान और ताइवान के बारे में पढ़ेंगे, इन्होंने कैसे कैसे युद्ध लड़े, है ना। बाद में ताइवान और अमेरिका युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ, है ना, कैसे वो फ्रेंच की कॉलोनीज थे, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। और फर्स्ट चैप्टर स्पेशली क्या है कि अगर आपने क्लास 9 की एनसीईआरटी पढ़ी है, शुरू के 2 चैप्टर्स 3 चैप्टर्स, तो आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ये जो चीज है ये आपको काफी क्लियर हो जाएगा, है ना। केवल 2 चीजें यहाँ पे नहीं आ रही होंगी, बाकी ये तो एक तरह से रिविजन ही कहिए, है ना। इसके बाद फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे चौथा चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, काम, वर्क और जीवन। और फिर आता है मुद्रण, संस्कृति, आधुनिक दुनिया, उपन्यास, समाज और इतिहास। तो फ्रेंड, टोटल ये 8 चैप्टर में शुरू के ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके प्रीलिम्स और मेंस में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि फर्स्ट इन 3 चैप्टर्स को काफी अच्छे से खत्म किया जा सके। तो चलिए पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, है ना, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो फ्रेंड्स, ये पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, है ना। हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो जब भी हम यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो हम फ्रांस की जरूर बात करेंगे, है ना। फ्रांस के क्रांति की हम जरूर बात करेंगे, है ना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज है फ्रांस की क्रांति। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे एक स्टोरी के माध्यम से हम स्टार्ट करेंगे कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, है ना। उनमें उसने सपनों का एक गणतंत्र संसार रचा। ये देखिए फ्रांसीसी कलाकार, इनका नाम है फेडरिक सारियो, है ना। इन्होंने ये देखिए 4 यहाँ पे चित्र दिखाए गए हैं। दिस इज अ फर्स्ट, दिस इज अ सेकेंड, है ना, दिस इज अ थर्ड एंड दिस इज अ फोर्थ। ये 4 चित्र उन्होंने बनाए और इसके जरिए उन्होंने एक मैसेज दिया। वो ये था कि उनमें सपनों का एक संसार रचा जो शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों को मिलकर बना था। यानी रिपब्लिक की बात की उन्होंने ना, गणतंत्र की बात की, जनतंत्र की बात की, फ्रीडम की बात की। सो फ्रेंड्स, हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि फ्रांस में जो उस समय का शासन था उसमें फ्यूडलिज्म था, है ना। समाज जो है स्टेट में बटा हुआ था, है ना। चर्च के पादरी और एलाइट क्लास और थर्ड स्टेट, ये अलग अलग बटा हुआ था। काफी ज्यादा अराजकता थी समाज में। तो उसमें लोकतंत्र और इक्वालिटी, इन सब की बातें काफी ज्यादा हुई फ्रांस में, है ना। अगर आपने क्लास 9 की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वापस जाइए, है ना। आपको सेक्शन में हमारे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में हिस्ट्री क्लास 9 एनसीईआरटी के नाम से होगा। आप वहां पे जाइए और फर्स्ट चैप्टर को जरूर देखिए, ताकि यहाँ पे जो एक बैकग्राउंड में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ सके, राइट। इस श्रृंखला में पहले चित्र, चित्र 1 में ये देखिए, ये दिस इज द फर्स्ट चित्र, है ना। इसमें क्या कह रहे हैं, में यूरोप और अमेरिका में लोग दिखाए गए हैं, है ना। सभी उम्र और सामाजिक वर्ग के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला के रूप प्रदान किया करते थे। तो फ्रेंड्स, उस समय जो फ्रांसीसी कलाकार थे ना, वो फ्रीडम को एक वुमेन के रूप में रिप्रेजेंट करते थे। कुछ ऐसे ही समझिए जैसे हम भारत माता को बोलते हैं ना कि भारत हमारी माता है ना, ये जननी है हमारी, ये हमारी मातृभूमि है।
तो मातृभूमि को उन्होंने भी एक तरह से महिला के रूप में कहीं ना कहीं इंगित किया है ना, उनके कलाकारों ने कहीं ना कहीं उसको बनाने की कोशिश की। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है ना। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संसाधनों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सरयू शारियों के काल्पना दर्शन यूटोपिया, यूटोपिया क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। तो शारियों के जो कल्पना दर्श था है ना, यूटोपिया है ना, काल्पनिक समाज में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। अमेरिका की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे है ना। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। सो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने देखा था कि फ्रांस का हमने आपको तिरंगा दिखाया था है ना, तो ये फर्स्ट चित्र कलाकार ने इसको, आर्टिस्ट ने इसको फर्स्ट चित्र माना है। ये घोषणा पत्र है ना, ये वुमेन के रूप में दिखाया जा रहा है फ्रीडम को है ना। ये मशाल है हाथ में जलती हुई है ना, ये लोग लाइन लगाए हुए हैं है ना, देखिए कितनी लंबी लाइन है। तो राइटर फर्स्ट आर्टिकल के माध्यम से यही सब कुछ कहना चाह रहा है। मैं आपको लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको फ्रांस का एक तिरंगा दिखाया था जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, लास्ट टाइम क्लास 9th में हमने नेपोलियन बोनापार्ट की बात की थी। तो ये देखिए, नीले सफेद और लाल कलर में ये जो है ना, ये फ्रांस का तिरंगा है ना। तो उसमें फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया था जो आज भी राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जाना जाता है फ्रांस के। इससे पहले मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, मैं आपको ये बता दूं निरंकुशवाद क्या है। अब्सोल्यूटिज्म है ना, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी होती हैं। तो एक तरह से आप ये समझिए, तानाशाही को ही निरंकुशवाद कहा जाता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके पीछे जर्मन के लोग जो काला लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं, यह दिलचस्प बात है कि जिस समय सारियों ने ये छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। वे जो झंडा वो थामे हुए हैं वो 1848 की उदारवादी उम्मीद की अभिव्यक्ति है जिसमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। सो फ्रेंड्स, पहले आप देखेंगे ना, इटली भी छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्य थे है ना जिनको मिलके बन रहा था इटली है ना। जर्मनी भी ऐसे ही था, छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था पूरा जर्मनी है ना। ठीक इसी तरह आप अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो वहां भी देखेंगे छोटी छोटी कॉलोनीज थी है ना, अलग अलग कुछ कॉलोनीज थी, स्पेनिश की, कुछ पुर्तगीज थे वहां पे, कुछ फ्रेंच ने भी जाके वहां पे कोशिश की थी है ना, और ब्रिटिशर्स तो वहां पे थे ही। ठीक इसी तरह अगर आप इंडिया को देखें ना फ्रेंड्स, तो आप पाएंगे इंडिया भी उसमें छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और वो छोटे छोटे राजा आपस में लड़ते थे। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री चाहे इंडिया की हो चाहे किसी अदर कंट्री की हो, काफी कुछ मैच करती है। अगर आप एक है ना कंसाइज वे में अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, एक कंबाइंड करके आप इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे काफी सिमिलरिटी है हमारी हिस्ट्री में भी, और जो पहले फ्रांस और जर्मनी इन सब की हिस्ट्री है, इन सब में भी कहीं ना कहीं काफी सिमिलरिटीज हैं। तो जब भी आप इसी चीजों को पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप इंडिया को कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं है ना। तो क्योंकि यही चीजें डाइवर्सिफिकेशन का काम करती हैं फ्रेंड्स, यही चीजें आपको समझने में ज्यादा मदद करती है ना। चीजों को आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। जब भी आपको इंडिया के छोटे छोटे राज्यों, उनके राजाओं के बारे में पता चलेगा, उसमें आपको पता चलेगा कि अच्छा उसमें इटली में भी छोटे छोटे राज्य रियासतें थी जो लोग आपस में लड़ते थे है ना। प्रोविंस उसी समय जर्मनी में जो थी, जर्मनी में भी सेम सिचुएशन थी है ना, फ्रांस में भी सेम सिचुएशन सिचुएशन थी। इससे पहले जो आप आज का यूके देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम देखते हैं ना फ्रेंड्स, आप उसका भी हिस्ट्री पढ़ के देखेंगे तो वो भी छोटे छोटे डिवाइडेशन था वहां पे। किस तरह से वहां पे तीन चार स्टेट ने मिलके एक यूके को फॉर्म किया, तो वो चीज काफी ज्यादा मैं डीप में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारे टॉपिक से हमें भटकाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया,
दो सिसिलियों की राजशाही, लंबार्डी पोलैंड इंग्लैंड और आयरलैंड हंगरी रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत, फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजर जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए गए हैं जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति शारियों ने चित्र वन में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जो यूरोप के राजनीतिक मानसिक जगत में भारी परिवर्तन लाई। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर एक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें अस्पष्ट रूप से पारिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एवं केंद्रीय शक्ति की थी, है ना। यानी फ्रेंड्स, उसमें जो था ना, छोटे छोटे राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य बनना शुरू हो गए थे, है ना। लेकिन राष्ट्र राज्य में ना केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का अभाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। मतलब लोग एक राष्ट्र के रूप में आ गए थे लेकिन अभी भी लैंग्वेज के नाम पे और बाकी चीजों के नाम पे आपस में बटे हुए थे। आज भी आप देखिए ना, इंडिया में वही है कि लैंग्वेज के नाम पे और लोकेलिटी के नाम पे, रीजनलिज्म के नाम पे लोग आपस में बटे हुए हैं, है ना। इसीलिए अभी तक यहाँ भी जो एक राष्ट्रीय भावना है ना, वो भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई है। यहाँ भी पूरी तरह से राष्ट्रीय भावना का विकसित होना बाकी है। लेकिन राष्ट्र राज्य में ना केवल उसके शासकों बल्कि अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव, साझा इतिहास या विरासत की भावना थी, है ना। साझेपन की ये भावना अनंत काल से नहीं थी, ये संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिसके अंतर्गत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। तो आज हम यही पढ़ेंगे कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आए। तो फ्रेंड्स, एक नया कुछ वर्ड यहाँ दिखा रहा है, जनमत संग्रह, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोग से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। यानी रेफरेंडम की बात की जा रही है, जैसे हम लोग वोटिंग करते हैं ना, उसी तरह किसी टॉपिक को जानने के लिए जनमत संग्रह कराया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग होना चाहता है तो उसने रेफरेंडम कराया अपनी कंट्री में, है ना, कि उनको उनके साथ बने रहना चाहिए यूरोपीय यूनियन के साथ या निकल जाना चाहिए। तो इसी तरह को जनमत संग्रह बोला जाता है। अंस्ट्रेनन, राष्ट्र क्या है ना। फ्रांसीसी दार्शनिक अंस्ट्रेनन ने 1882 में सौवान विश्वविद्यालय में दिए व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छापा गया जिसका शीर्षक था क्वेस्ट इन क्वेन नेशन, यानी राष्ट्र क्या है। ये यहाँ पे जो फ्रेंच वर्ड में दिया गया है ना, इसका मतलब है व्हाट इज नेशन, है ना, राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित एक विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म और क्षेत्र से बनता है ना। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग, निष्ठा का चरम बिंदु होता है। सौर वीरता से युक्त अतीत, है ना, महापुरुषों के नाम, गौरव और यह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। सो फ्रेंड्स, कुछ नहीं, यहाँ पे लेखक ने एक निबंध लिखा है कि वो बताने की कोशिश की है कि नेशनलिज्म क्या है ना, राष्ट्रवाद क्या है। आज भी आप देखें तो टीवी में बहुत सारी डिबेट होती है ना, नेशनलिज्म क्या है, लेफ्टिस्ट क्या है, राइटिस्ट क्या है ना। तो कुछ इसी तरह से इन्होंने, अर्नेस्ट नेशन ने एक निबंध लिखा जिसमें बताने की कोशिश की कि राष्ट्र उनकी समझ से क्या है। लोगों ने तो अपनी अलग अलग थ्योरी दी थी लेकिन ये उनकी समझ से राष्ट्र क्या होता है, क्या होना चाहिए, ये उन्होंने समझाने की कोशिश की है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे बढ़ना, ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, ये सभी जरूरी शर्तें हैं। तो देखा अपने फ्रेंड्स, ये कुछ बातें उन्होंने बताई कि वर्तमान में एक समान इच्छा, अतीत में समान गौरव, संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना, आगे बढ़ना और ऐसे काम करने की इच्छा रखना, ये कुछ चीजें थी जो राष्ट्रवाद के लिए बहुत जरूरी थी। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है ना। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रातः उसके निवासी, अगर सलाह के लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वो निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है।
राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि ये एक जरूरत भी है। उनका होना राष्ट्रवाद की गारंटी है। अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक ही मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाता। तो इन्होंने जैसे एक तरह से यूएनओ को क्रिटिसाइज करने के लिए भी इनका एक सेंटेंस हम मान सकते हैं कि अगर पूरी दुनिया में एक कानून लगा दिया जाए और उसका एक ही मालिक हो तो फ्रीडम जो है ना वो खत्म हो जाएगी। तो काफी चूंकि फ्रेंड्स क्या है, ये इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन है तो शायद थोड़ा सा आपको ये कठिन लगेंगे कुछ कुछ वर्ड्स हैं इसके, बट जितना मैं आपको समझा पा रहा हूँ आई थिंक आप समझ गए होंगे। ज्यादा जरूरी क्या है फ्रेंड्स, आपको एक एक वर्ड नहीं रटना है, आप क्लास 9th या 10th का एग्जाम नहीं लिखने जा रहे हो बोर्ड का, है ना। आपको सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को फाइंड आउट करना है जिसपे वेस्ट यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप उनको सॉल्व कर सको, है ना। यू आर नॉट हियर टू डू पीएचडी, तो आप यहाँ पर पीएचडी करने के लिए नहीं आए हैं, ना फिर आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो सबसे पहले हम फ्रांसीसियों की ही बात करेंगे, क्योंकि जर्मन्स की भी हम बात करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, पहले हम फ्रांसीसियों से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया क्लास 9th की वीडियो में आपको फ्रांस के राष्ट्रवाद के बारे में काफ़ी कुछ वहाँ पे देखने को मिलेगा, काफ़ी पूरी स्टोरी आपको बैकग्राउंड समझ में आएगा। तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखें, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको ज़रूर देख लें। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट व्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक एवं संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में स्थानांतरित हो गई। फ्रेंड्स क्लास 9th जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि कैसे लुई 16वें से निकल के डायरेक्टर्स में आ गई थी वो पूरी पावर, है ना। कुछ डायरेक्टर्स क्या थे, डायरेक्टरी थी ना, चार पांच लोगों का एक समूह था जो पावर वहां पे ट्रांसफर हो गई। फिर वहां से नेपोलियन बोनापार्ट के पास गई, फिर नेपोलियन बोनापार्ट से वापस पब्लिक के पास गई, थर्ड स्टेट के पास, और प्रजातंत्र की स्थापना हुई। तो ये पूरा आप अगर आपने वीडियो देख रखा है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और नहीं देखा है तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो देख लें ताकि आपको समझ में आ सके, क्योंकि सारी चीजें अगर मैं यहाँ पे समझाऊंगा फिर से तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और हम उस टॉपिक को नहीं कवर कर पाएंगे जिसके लिए हम एक क्लास 10th की बुक पढ़ रहे हैं। क्रांति ने घोषणा की अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वो ही उसकी नियति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी, ना। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचारों पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे मातृभूमि बोलते हैं उन्होंने पितृभूमि कह के फ्रांस की लैंड को संबोधित किया, है ना, और सभी नागरिकों को एक संयुक्त विचार बनाने और उस पर बल देने के लिए कहा गया। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा ट्रिकलर चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। तो फ्रेंड्स आपने देखा था थोड़ी देर पहले ये फ्रांसीसी तिरंगा था जो मैंने आपको दिखाया था नीले सफेद लाल कलर में, है ना। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूहों द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, है ना। नई स्तुति रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। सो फ्रेंड्स आपने देखा कि किन किन चैलेंजों से पूरा फ्रांस गुजरा। सेम अगर आप इंडिया के बारे में सोचेंगे तो आपको भी नजर आएगा कि कैसे छोटी छोटी भाषाएं थी यहाँ पर, है ना, लेकिन हमने उनको हतोत्साहित या क्रश नहीं किया बल्कि उनको भी प्रोत्साहन दिया। शायद यही एक वजह है कि अभी तक हम कोई एक ऐसी भाषा को अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं जो सभी भारत की 125 करोड़ जनता के लिए वो एक नेशनल लैंग्वेज बन सके। हमने क्षेत्रीय भावनाओं को बहुत ज़्यादा उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, है ना। शायद यही एक वजह है कि आज भी हम थोड़े थोड़े क्षेत्रीय भाषाओं में बटे हुए हैं। खैर कोई नहीं, हमें वो लगता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम इन चीज़ों को कर पाएंगे, राइट।